हूं। हवास ने एक बार फिर से येलो का परचम लहराया है। मैच सेंटर लाइफ स्टाइल बाय जियो में आप सभी का स्वागत है। पार्थिव पटेल, सुरेश रैना के साथ हीरो रिसेंटली रिटायर्ड अंबती रायडू अपने आखिरी फाइनल खेलते हुए एक बार फिर से चेन्नई को ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे, खुद ट्रॉफी उठाएंगे। अंबती, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई मीन, इससे अच्छा क्या फीलिंग हो सकता है। आखिरी मैच में टूर्नामेंट जीते और मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। इससे ज्यादा कुछ फिटिंग फिनाले हो सकता था आपके लिए? जब आज आप सुबह उठे, जब आपको पता था कि ये मैच कल से लेके आज की तरफ शिफ्ट हो गया है, जब पता था कि आज जीतेंगे तो पांचवी बार ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी और आपके पास एक आखिरी मौका है, तो क्या कुछ अलग सोच थी, क्या कुछ अलग तरीके से आपने अपना डे स्पेंड किया? नहीं, कुछ भी नहीं, बस वेट कर रहा था कि मैच शुरू हो जाए और यू नो एज ए टीम हम लोग अच्छा खेले और सब लोग बहुत ही बढ़िया खेले आज। एंड मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं सुरेश भाई से बोल रहा था कि ये उनका नौवां फाइनल है। 8 फाइनल तो उन्होंने खेले हैं एज अ प्लेयर, 9th एज अ ब्रॉडकास्टर। नाउ सुरेश भाई के साथ खड़ा होके कैसे लग रहा है? मन कर रहा है कि उनको भी ले जाए वहाँ पे ट्रॉफी लिफ्ट के लिए? भाई, ये टीम को खुद हाथों से बनाए सुरेश भाई ने, तो उनके लिए तो ये मतलब CSK घर है, फैमिली है। एंड आई एम श्योर ही इज वेरी वेरी हैप्पी टुडे। आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज नॉट कि ये लोग जीते हैं, जो इसने बैटिंग करके ना लास्ट, इसने बोला था यू टर्न नहीं है, अभी ये लास्ट टाइम है, और इसने छक्का मार के जिताया जो मोहित के शर्मा में रन आए। और ये ना बड़ा इमोशनल मोमेंट है इसके लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम लोग 2000 से साथ में खेल रहे हैं अंडर 19 रणजी ट्रॉफी। बट जिस तरीके की जो टीम है, जो यहाँ का बैलेंस है ना, ये बड़ा तरीके से खेलता है। हम लोगों ने इतने मैच खेले, बट इससे ज़्यादा खुश ना कोई नहीं होगा। जिस तरीके से माही भाई को रेस्पेक्ट करता है, जिस तरीके से टीम का माहौल बनता है, और हम एक बंदे को मिस कर रहे हैं और रोबिन उत्तपा को, वो उधर बैठा है, हम तीनों बचपन से खेल रहे हैं साथ में। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू टुडे, फॉर यू एज वेल एज योर फैमिली, योर डैड, योर मॉम, योर वाइफ एंड योर डॉटर। सो हैप्पी ब्रदर, थैंक यू सो मच। राइडू भाई, जब वो अपने भगवान को तो इससे ज़्यादा और जड्डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनिश था वो, मतलब भाई ये तो फेरी टेल एंडिंग है ना, बिल्कुल। और MS धोनी से क्या बातचीत हुई मैच जब खत्म हुआ, उसके बाद और मैच जब शुरू होने वाला था उससे पहले? नहीं, बस बोले कि ये जो शॉट तूने मारा है तो बुड्ढा होके भी याद करेगा। राइडू, तू यूज्ड टू है एज अ लास्ट बॉल थ्रिलर जीतने के लिए, हमने भी ऑलरेडी जीता था, इस बार भी अभी भी वैसा फीलिंग आता है? अभी भी उतनी नर्वसनेस आती है ड्रेसिंग रूम में बैठ के जब ऐसी गेम होती हो तब? भाई, खेलते समय नर्वसनेस कम होती है, मगर बाहर बैठ के अगर देखना हो तो फिर तो सब भगवान को याद करता हूँ। बहुत बढ़िया अंबती राइडू भाई, ये वो ट्रॉफी है जिसमें आप चेन्नई सुपर किंग्स का नाम लिखा जा रहा है। मुंबई इंडियंस के साथ आप खेले हैं, आप जीते हैं, चेन्नई के साथ आप खेले हैं और एक बार फिर से जीते, उस पर वो सिग्नेचर टीम उसके पीछे खड़ी हुई है, माही का सिग्नेचर आ चुका है, ये कितना बड़ा मोमेंट है आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए? नहीं, मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट है, क्योंकि ये पांचवी बार जीतना और MI के साथ इक्वल पे रहना, तो मतलब बहुत सक्सेसफुल टीम बनना बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुंबई इंडियंस के लिए आकाश अंबानी ने भी आपको कंग्रेचुलेट किया था, मुंबई इंडियंस के पूरे खेमे ने आपको कंग्रेचुलेट किया ऑन व्हाट्स बीन अ फैबुलस करियर अंबती राइडू भाई। लेकिन एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा याद रहेगी टाटा IPL की, शायद भाई आज के दिन, आज का दिन, मगर इससे बढ़िया दिन तो मेरे लिए IPL में नहीं है। ये सबसे आपने पैड्स पहने हुए, मैं आपको ज्यादा देर रोकूंगा नहीं, गो एंड सेलिब्रेट विद द टीम अनलेस पार्थिव भाई, वही जाने तो टीम के साथ, क्योंकि ये फॉर्म बॉम्ब होगा टीम के साथ, थैंक यू सो मच, साथ बिताने का है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सी यू सून। वो कहते हैं ना कि सियारात नहीं नाम लेती ढलने।